भाई हकीकतन भाई मैं मुसलमान का कभी दंगाई नहीं सकता, अगर कोई दंगाई करता है वो मुसलमान ही नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। धर्म का मानने वाला अधर्म वाला काम करेगा ही नहीं, चाहे किसी भी धर्म का। वो झंडा लेकर जो चढ़ा उसको किसने उकसाया वहाँ तक जाने के लिए किसी घर में घुस करके, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, जब झंडा चढ़ा के उतरा नीचे तो उसको किसने गोली मारी? वही मुसलमान घर जिसके घर चढ़े थे सबसे सक्षम था, पैसे से, व्यापार से और इज्जत से और हर तरीके का सबसे माना जाना इंसान था उस जगह पर, बराई शहर में जहाँ से गुजरे थे। तो उसी घर क्यों उन्होंने किया? भाई हकीकतन भाई मैं मुसलमान का कभी दंगाई नहीं सकता, अगर कोई दंगाई करता है वो मुसलमान ही नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आरोप तो आप पे लगे हैं सर। आरोप तो आज नहीं, योगी मोदी तो कब से लगा रहे हैं भाई, आज से नहीं लगा रहे हैं, जो दसियों साल लगा रहे हैं वो बता रहा हूँ 2002 से लगा रहे हैं आरोप मुसलमानों पर। आपकी मुहर्रम की निकलती है झांकियाँ, वो तो कभी पत्थर नहीं बरसाते, आपके जैसे इसको धार्मिक स्थल आ जाता है वहाँ विवाद खड़ा हो जाता है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ हिंदू सो काल जो हमारे झांसी निकालते हैं हिंदू भाई, उन्हीं के दंग उन्हीं के उसमें खेमे में या उन्हीं की सभा में दंगे क्यों होते हैं या पत्थरबाजी क्यों होती है? सिख भी निकालते हैं, बौद्ध भी निकालते हैं, क्रिश्चियन भी निकालते हैं और अम्बेडकर भी, बाबा साहब अम्बेडकर भी निकलते हैं, मुसलमानों के भी निकलते हैं, उसमें क्यों नहीं होता? चूँकि हमारी नीयत साफ जोई है कि हम नेक काम के लिए निकले हैं तो नेक काम करके निकलेंगे, इसमें कोई गलत काम नहीं करूंगा। जो शोभा यात्रा विसर्जित करने जा रहे थे सर, वो दंगा करने नहीं जा रहे थे साहब, मूर्ति विसर्जित करने जाएंगे तो कोई रास्ता तो होगा ना, रास्ते से जाएंगे किसी घर के ऊपर जाएंगे, तो रूट होता ही है, कोई घर के ऊपर जाएंगे। आप बताएं क्या घर के मुसलमानों ने पत्थरबाजी कर दिया? यही तो सबसे बड़ा रोना है गोदी मीडिया का। आप ही लोग एक ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत सच्चाइयों पर रहें और सच्चाई सच्ची दिखाते हैं। हकीकतन उन्हीं के लोगों ने पत्थर चलाया और उसी में किसी ने आवाज़ उठा दिया, चूंकि ये प्लान में होता है कि 10 ये करेंगे, 5 ये करेंगे, 10 ये बोलेंगे और 10 जो 15 है वो समर्थन करेंगे। हरियाणा के नूह मेवात में भी ऐसी घटना को अंजाम दिया था सर आपने, हिंदू थे। अब बताऊँ, अब ये कोई अलग ऐलान कहे कि बहनोई आ रहा है या तुम्हारा दामाद आ रहा है उसकी खैर मकदम अच्छी तरह से करना, जो इंसान ऐसी ख्याल सोच रखेगा वो न हिंदू है न मुसलमान है। योगी जी ने बोल दिया कि बक्से नहीं जाएंगे वो लोग जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। योगी जी का ये चुने चुनाए और गिने गिनाए भाषण में बोल देते हैं, फिर उनका जो उन्होंने तो कहा था कि मैं इनको सबको मिट्टी में मिला दूंगा, उन्हीं का भाषण था ना, जो बटेगा वो कटेगा, किसका? योगी जी का भाषण था ना ये। तो जब उनकी सोच ऐसी नहीं होती तो ये बोलते कैसे? इनको तो और संयम से बोलना चाहिए, भले दिल में वो बात होती लेकिन जबान पे न लाते। भाई सूबे के एक मुखिया थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें ऐसा अजीब नहीं देता ऐसी बात करना। धर्म का मानने वाला अधर्म वाला काम करेगा ही नहीं, चाहे किसी भी धर्म का। आप धर्म की यात्रा में रोड़ा अटकाते हो सर। धर्म यात्रा में हक और सच और सही बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये पसंद ना, हो सकता है सर। जब तुम जुलूस निकाल रहे हो तो प्रशासन कहाँ जाती है? तीन अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं वहाँ पर अभी तक। भैया लॉ ऑर्डर की समस्या थी वहाँ? देखिए इस वक्त जंगल राज कभी कहा जाता था, जंगल राज है, जंगल राज का नाम सुना है ना आप लोगों ने? जंगल राज बोलिए, राम राज्य। भाई जंगल राज में कह रहा हूँ मैं सवाल ही नहीं पैदा कर सकता। राम आज सबके पुरुषोत्तम राम है, उन्होंने कभी दंगा नहीं किया, उन्होंने कभी अन्याय नहीं किया, कभी उन्होंने समाज से समाज की समाज बेइज्जती नहीं करी, उन्होंने तो लोगों को लंगड़ों को चिड़ियों को पेड़ों तक इन्होंने हिफाजत की है, वो है परशुराम। ये राम कहेंगे मैं राम हूँ, राम राम रामवासी हूँ, या राम राम कहते हैं कि राम रसा हूँ, या राम का ही बहुत बड़ा मुखिया या प्यारा हूँ, तो ये सिर्फ जबान से कहना अच्छी बात नहीं है। पहले देश को प्यार बताओ, पहले देशभक्ति बताओ कि हम देश हैं, देश में जो जनता है जितनी है, बता रहा हूँ आपको, ये सब भारतीय नहीं है क्या? ये भारत के वासी नहीं है क्या? क्या इनका योगदान भारत के विकास में नहीं है क्या? जो आज बड़े बड़े मंत्री संतरी बने हैं, क्या इनके टैक्सों पर वो पल रहे हैं? इनके टैक्सों पर वो पल रहे हैं जो आज बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें कर रहे हैं, तो उनको जेब नहीं देता, अच्छी बात नहीं लगती। चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को या गवर्नर को या किसी मिनिस्टर को किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ बोलना अच्छी बात नहीं है, वो एक बढ़ावा है। वो एक देश में कहते हैं कि कम्युनलिज्म को बढ़ावा देना हुआ, एक टेररिज्म को एक खाद और पानी देने वाला काम कर रहे हैं ये लोग, वो नहीं करना चाहिए। सर मुहर्रम की यात्रा में भी हथियार लेकर चलते हैं, वो जो शोभा यात्रा में वो भी तलवार लेकर चलते हैं, ये दोनों तरफ आग किसने लगाई है सर? ये सर आप समझाते क्यों नहीं अपने अपने लोगों को? देखिए आप तो हमारे यहाँ देखिए क्या है, मुहर्रम क्या है, लोग मुबारकबाद देते हैं मुहर्रम की, हमें हमारे समाज के लोगों को यही नहीं पता है कि मुहर्रम त्यौहार क्या है।
हमारे समाज में मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मैं अपने हिंदू भाइयों की और लोगों की बात कर रहा हूँ। मुहर्रम के मौके पर भी जिस तरीके से ईद की मुबारकबाद दी जाती है, बकरीद की मुबारकबाद दी जाती है, तो मुहर्रम पे भी वो मुबारकबाद देते हैं। मुहर्रम वो है जिसे हम गमी मनाते हैं, और वो गमी इसलिए है कि जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर रहे हैं, उनके नवासे को शहीद किया गया था उस दिन, उनकी गमी में हम मुहर्रम मनाते हैं। जब हम गमी में होते हैं तो गम में रह करके हम कोई जुल्म नहीं कर सकते, जब हम प्यार से खुशी में रहकर कोई आतंक या कोई गलत काम नहीं करते, तो गमी में भला कोई माए बाप से कहो जा किसी को मार दो तो मार सकते। चर्चों पर अंबेडकर वादियों पर किसका झंडा लग रहा है? चर्चा नहीं, बाइट हो रही है। गिरजा क्या हो रहा है? गिरजा घर पे किसका झंडा लगा हुआ बताओ? आपने मस्जिदों में झंडा देखा आपने? सिर्फ यही 12 वफात पे और ये मुहर्रम पे, मुहर्रम में भी नहीं लगता है। 12 वफात, 12 वफात क्या है? सिर्फ पैदाइश के दिन है, जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जब हुई थी उस खुशी में वो झंडे, और हम अपनी सभाएं निकालते हैं, कहिए कि तरह से हम खुशी का एक जलसा निकालते हैं, तो वो खुशी का होता है और मुहर्रम गमी का है। तो गमी में हम कोई गलत काम नहीं करते, जब खुशी में नहीं करते तो गमी में क्यों करेंगे? दो जरा इन शोभा यात्राओं में मंत्रियों के बेटे अफसरों के बेटे क्यों नहीं जाते हैं धर्म बचाने? मैं कह रहा हूँ आज विदेशों में क्या हमारे गरीब दलित और ओबीसी के बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? सारे मंत्रियों के बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो अखिलेश भी वहीं से पढ़ के आए हों, चाहे राहुल भी वहीं से पढ़ के आए हों। बता दो कोई ओबीसी का बच्चा जो किसान खेत में हल चला रहा है उसका बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ रहा हो। जेएनयू में पढ़ना तो मुहाल हो गया है, उन लोगों को दलितों का रहना मुहाल हो गया है जेएनयू में, इंडिया में, इंडिया की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में उस बेचारों को फांसी लगा दी जाती है। ये चीज़ लंबी कहानी है, 24 घंटा बात करो, 24 घंटा तारीख और इतिहास के मुताबिक मैं जवाब दूंगा। मुसलमानों से ही दिक्कत की होती है? मुसलमानों से आज से नहीं है, जब से मुसलमानों से इसलिए, खास करके भारत में ही क्यों, क्या और जगह दिक्कत है? अच्छा, लोगों को डाइवर्ट करना मेंटालिटी को, सोच को एक धर्म के खिलाफ, और आज से नहीं है, मुद्दतों से होता चला आया है और ये होता रहेगा, क्योंकि जो नफरती चंटू है ना वो यही करेंगे, उनके दिमाग जहन वही है, क्योंकि उनको 500 रुपये रोज मिल जाता है, तुम ये जाओ और ये करो। आज मुझे भी कोई देगा 1000 रुपये 500 रुपये, कभी भैया जाओ उसको फलाक चाय पिला दो तो चाय पिला दूंगा, लेकिन कहकर जाकर डंडा मारो, पत्थर मारो, तो मेरे जैसा अगर सोच समझ का होगा तो कभी नहीं करेगा, उसको थूक देगा उस पैसे पर, लेकिन वो काम गलत नहीं करेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता, अगर है तो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर किया होता मुसलमान है ही नहीं। भाई मैं कह रहा हूँ उनका धर्म जो कह रहा है, धर्म से कोई रोक थोड़ी रहा है, हमारे संविधान इजाजत देती है कि हर एक को अपने धर्म की पालन करना चाहिए, अपने धर्म पर धर्म को अपनाना, अपने धर्म के तरीके से काम करना चाहिए। वो डीजे बजाए तो कौन बजा, कौन मना कर रहा है? क्या किसी मुसलमानों ने मना? पत्थर कौन बरसाता है? पत्थर इनके जो इनके टीम में थे वो लोग, उन लोगों ने ही पत्थर गिरा के ये ऐलान किया कि फला पत्थर से पत्थर आ रहा है, इन्हीं के लोगों ने। और ये भी दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, तो ये सब पोलराइज करने के लिए ये गढ़े गए हैं, और ये सब चीज़ बनाया गया है, और ये सब प्लान के तहत किया गया है। पहले बता दूँ आपको हकीकत, मुसलमानी इलाकों के सर्वे किए जाते हैं, कौन घर कहाँ क्या कैसे लोग हैं, यात्रा निकालने से या कोई चीज़ निकालने से पहले या दंगा करने से पहले उस इलाके के सर्वे होते हैं, सर्वे में वो इंगित करते हैं, उसको नोट करते हैं कौन क्या कैसे हैं, वहीं पर जाकर टारगेट बनाते हैं, वो उस टारगेट पर जाके हमला करते हैं।